नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। सरकारी कंपनी आज के दिन भी इसमें वीकनेस देखने को मिला जो कि 0.5% का है, और कैंडल को देख रहे हो तो यहाँ पर देखो कंटिन्यू ना 4 दिन से इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। इसी के जैसा एक और स्टॉक है वो है REC, उसमें भी सेम पावर स्टॉक है, वो भी वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रहा है, वो भी गवर्नमेंट स्टॉक है। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा टाइम के लिए हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 2 दिन मार्केट बचा हुआ है, एक फ्राइडे को लेकर और दूसरा है मंडे को लेकर। 2 दिन काफ़ी मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो यहाँ पर एक दबाव देखने को मिल सकता है जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग को लेकर रहेगा। यहाँ पे ना कोई ऐसा खराब अपडेट नहीं है। तो 23 तारीख से बजट चालू होने वाला है जिसमें ना रेलवे, डिफेंस, पावर को लेकर ना काफ़ी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, जिस वजह से दोबारा पावर स्टॉक्स ना दोबारा अपसाइड का मूवमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, ये क्यों मूवमेंट बनाए, क्योंकि जो है ना बजट में ना पावर इंडस्ट्रीज को लेकर काफ़ी अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इस एक्सपेक्टेशन, इस होप को लेकर है ना यहाँ पर एक शानदार रैली देखने को मिला। और बजट में आपको क्या चीज़ों का फोकस रखना है कि पावर को लेकर कोई अच्छा अनाउंसमेंट हो, अगर नहीं होता तो भी गिरावट होगा और 2 दिन तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा ही। तो हमारे पास क्या सकता है, तो एक अच्छा सपोर्ट जो है ना वो है 500 रुपये का, काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है। आज के दिन देख रहे हो मार्केट कितने पे क्लोजिंग किया, 547 पे क्लोजिंग किया है, मगर थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ तक हमको ना यहाँ 500-510 तक का गिरावट देखने को मिलेगा, यहाँ से फिर दोबारा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट रहेगा 550 रुपया, दूसरा टारगेट रहेगा 600 रुपये तक का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो सारे कंडीशन मैंने आपको बताए हैं, चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। बाय सेल को रिकमेंडेशन ही है। जय हिंद।